अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही सॉफ्ट खूबसूरत सा आई मेकअप शेयर कर रही हूँ और बिगनर फ्रेंडली है। आज मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगी कि अगर आप बिगनर हो और आपको आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता तो आप किस तरह से सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आई शेडो अप्लाई करोगे, जो कि बहुत ईजी भी है और हेल्पफुल भी बहुत होगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे ना भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपने आईब्रोज को डन किया हुआ है, मैंने आई बेस या सब कुछ मैंने डन किया हुआ है। तो हमने सीधा सिंपल क्या करना है, हमने सिर्फ आई मेकअप स्टार्ट करना है। मैं आपके साथ आई शेडो भी शेयर करूँगी, जो ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं वो भी शेयर करूँगी और बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊँगी कि एक दफ़ा ही देखने से आपको आई मेकअप करना आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हमारी क्रीज को डिफाइन करना है, हमने देखना है कि हमारी क्रीज कौन सी। तो ये हमारी क्रीज लाइन होती है, जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो जो एक लाइन क्रिएट हो रही होती है उसे हम क्रीज लाइन कहते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है। तो ये सारे मैंने ब्रशेज यूज़ किए हैं जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले मैंने ये ट्रांजिशन कलर लेना है जिसे बहुत लाइट ब्राउन कलर कहते हैं, आपने ब्राउन टोन में जाना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने ब्राउन टोन में जाना है, कोई और कलर नहीं लेना और सबसे लाइट ब्राउन शेड लेना है जिसे हम ट्रांजिशन कलर कहते हैं। और इस तरह का हमने छोटा सा फ्लफी ब्रश लेना है और हमारे क्रीज एरिया में अप्लाई करना है। हमने नीचे की तरफ देखना है और बैक एंड फोर्थ मोशन में आगे पीछे इस तरह करते हुए हमारे क्रीज एरिया में आई शेडो अप्लाई करना है और इसको हमने यहीं पे ब्लेंड करते जाना है। बिगनर्स की सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये कि उनसे आई शेडो फैल जाता है, तो आपने उसको फैलाना नहीं है, आपने बहुत ही अपने हाथों पे कंट्रोल करते हुए अपने आई शेडो को अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसको आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई किया है, जो हमारी आईज का बाहर वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसे हम आउटर कॉर्नर बोलते हैं। और हमने हमारा सेकेंड कलर यहाँ पर अप्लाई करना है। जब आप सामने देखते हो और जहाँ पर आपका आई बॉल ख़त्म होता है वहाँ से आपका आउटर कॉर्नर शुरू हो जाता है। तो मैंने ये डार्क कलर लिया है और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने जो ब्रश लिया वो मैंने चेंज कर लिया था, आपने भी इसी तरह करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपने इस तरह आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है और इसको आपने सिर्फ यहीं पे रखना है, आपने इसको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज आ बिगनर आप भूल जाओगे और आपसे कंट्रोल नहीं होगा और आप फैला दोगे। तो आपने सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट लेकर यहीं पर अप्लाई करना है और इसको यहीं पर ब्लेंड करते जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपके ब्रश पर जो रह जाएगा आपने उसको पहले अच्छे से साफ़ करना है, फिर आपने इसको ब्लेंड आउट करना है और ब्लेंड करते जाना है। आई मेकअप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो आपकी ब्लेंडिंग होती है। जितना आप अच्छा ब्लेंड करते जाओगे आपकी आईज मेकअप में उतनी जान आती जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है और ब्लेंड 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 करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर लिया, यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों शेड्स आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। फिर हमारा लास्ट स्टेप जो है, हमने क्या करना है, हमने एक अलग फ्लफी ब्रश ले लेना है और हमारे क्रीज एरिया में अच्छे से ब्लेंड करना है। जितनी भी हार्श लाइंस होंगी हमने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हमें एक तो सॉफ्ट लुक आए, दूसरा हमें बहुत अच्छी नीटनेस मिल जाए आई मेकअप में। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, एज आ बिगनर आपने अपनी आईज मेकअप में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेड्स अप्लाई करने हैं, इससे ज़्यादा का यूज़ आपने नहीं करना। और बिगनर होने की वजह से आपने ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करना, ब्लैक की जगह आप डार्क ब्राउन शेड यूज़ करोगे जैसे कि मैंने इसमें यूज़ किया है। फिर हमने ये शिमर शेड लिया है और फ्लैट ब्रश के साथ इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। हमने लाइट गोल्डन शेड लेना है, आपने भी यही शेड लेना है, इसके अलावा कोई और नहीं लेना। तो मैंने सिर्फ इसको अपने लिड पे अप्लाई किया है और इस तरह के फ्लैट ब्रश के साथ बहुत इजीली आई शेडो अप्लाई हो जाता है। तो आपने इस तरह के ब्रश यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद हमने हार्श लाइन को अगेन से ब्लेंड करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने यहाँ पर इसको ब्लेंड करना है ताकि मैट
शेयर और शिमर शेड्स आपस में ब्लेंड हो जाए और हमें कोई हार्श लाइन पता ना चले। इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और हमने इसे अपनी लोअर लैश पे अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना, अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ आउटर कॉर्नर पे नीचे लोअर लैश पे बहुत लाइट सा अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए लोअर लैश पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए इस तरह का जो ब्रश होता है ये बहुत इजी रहता है, इससे आपका जो आई शेडो वो फैलता नहीं है, कंट्रोल में रहता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आउटर कॉर्नर लोअर लैश पे ये अप्लाई कर दी है। इसके बाद ये है हमारी ब्रो बोन। मोस्टली ब्रो बोन पे जो हाईलाइट होता है वो यहाँ से शुरू होता है, आपने इससे आगे नहीं जाना और यहाँ पर अपनी ब्रो बोन को लाजमी हाईलाइट करना है, इससे आपकी आँखों में जान आ जाती है और इसी से आपका जो मेकअप है वो कंप्लीट होता है। तो मैं सेम कलर ले रही हूँ, आप हाइलाइटर वाला कलर ले सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रही, नहीं तो आप कोई भी लाइट चैम्पियन सा शेड भी यूज़ कर सकते हो। और इसे हम कहते हैं टीयर डक्ट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं यहाँ पे हमेशा हाईलाइट करती हूँ। इससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती हैं और आंखों में जान आ जाती है और आपका जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आईलाइनर की बारी है, तो मैंने बहुत ही लाइट सा विंग क्रिएट किया है और मैंने बहुत ही लाइट सा आईलाइनर अप्लाई किया है, मैंने कोई हैवी लाइनर अप्लाई नहीं किया क्योंकि बहुत सॉफ्ट सटल सी लुक थी जो मैंने क्रिएट की है, तो उस हिसाब से मैंने लाइनर भी बहुत लाइट सा अप्लाई किया है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। और मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये मेरी फाइनल लुक थी, जो कि बहुत अच्छी भी लग रही है, बहुत सॉफ्ट लुक आ रही है। आपको एक एक शेड अलग अलग नज़र आ रहा होगा, जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है, जो मैंने क्रीज एरिया में लगाया है और जो मैंने लिड पे अप्लाई किया है। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने माइंड में रखना है, फिर यूज़ करना है इसको और अपना आई मेकअप स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छा आई मेकअप करना आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप प्रो हो जाओगे आई शेडो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। आपने इसी को फॉलो करते जाना है और अपना आई मेकअप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रो बना लेना है। तो मैं अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।